नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर। जय भीम नगर झुग्गी ध्वस्तीकरण, 750 दलित परिवार हुए घर से बेघर। बाबा साहब के पड़पोते राजरतन अंबेडकर ने कहा, भाजपा को वोट नहीं दिया इसलिए। बता दें कि मुंबई सरकारी आदेशों में मानसून के दौरान अवैध बस्तियों को ध्वस्त नहीं करने के स्पष्ट नियम के बावजूद बृहत मुंबई नगर निगम ने पवई स्थित जय भीम नगर झुग्गी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत लगभग 750 परिवारों के आशियाने उजाड़कर इन्हें मानसून के दौरान घर से बेघर कर दिए। बताया जाता है कि यह बस्ती 1984 के आसपास निर्माण कार्य के दौरान लेबर कैंप के रूप में बसी थी, जिसके बाद यहां कामगार परिवारों की 3 पीढ़ियां रहने लगी। यहां महाराष्ट्र के अलावा बंगाल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से आए परिवार भी शामिल हैं। यह ध्वस्तीकरण अभियान 6 जून को हुआ, जो लोकसभा चुनावों की घोषणा के ठीक 2 दिन बाद का दिन था। मकान उजड़ने से बेघर हुए सैकड़ों परिवार बीते 2 सप्ताह से खुले आसमान के नीचे बसर करने को मजबूर हैं। भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के परपोत्र द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरतन अंबेडकर ने जय भीम नगर झुग्गी वासियों के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दी। राजरतन अंबेडकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, लेकिन कुछ ही घंटों में आधिकारिक पक्ष की ओर से मध्यस्थ वार्ता की पेशकश और 2 दिन में मसले पर समाधान निकलने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। राजरतन अंबेडकर ने बताया कि झुग्गी में रहने वाले अधिकांश परिवार अनुसूचित जातियों से ताल्लुक रखते हैं और मजदूरी, रिक्शा चलाकर या अन्य छोटे मोटे काम कर जीवन यापन करते हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर के बीच ध्वस्तीकरण पर रोक है, लेकिन सिंधे सरकार ने भाजपा के इशारे पर झुग्गी को ध्वस्त कर दिया। मकान तो तोड़े ही, लेकिन सबसे गलत बात की पुलिस ने बेगुनाह बस्ती वालों के साथ मारपीट की, औरतें, बच्चों और बुजुर्गों को पीटा। यहां तक कि पुलिस की बर्बरता से एक गर्भवती महिला का गर्भपात भी हो गया, जो घोर निंदनीय है। अंबेडकर ने ध्वस्तीकरण को मानव अधिकारों और कानूनी मानदंडों का घोर उल्लंघन बताया। उन्होंने बताया कि सलम के निवासी, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के दलित हैं, उनको ध्वस्तीकरण से पहले कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। मानसून के दौरान वे किसी को भी उनके घर से निकालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और इस नियम से संबंधित कई सरकारी प्रस्ताव हैं, जिन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। राजरतन अंबेडकर ने बताया, ध्वस्तीकरण के बाद से बस्ती वाले बिना आश्रय, भोजन या कपड़ों के सड़कों पर दिन रात गुजार रहे हैं। इनमें काफ़ी महिलाएं और बच्चे हैं, जो सुरक्षित नहीं हैं। इस सबके साथ ही पुलिस ने अभियान के दौरान विरोध करने वालों पर पथराव और मारपीट के झूठे मामले बना दिए। अधिकांश परिवार विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों से हैं और 25 से 30 वर्षों से यहां निवासी हैं। राजरतन अंबेडकर ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में निवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वहाँ के घरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और इस कृत्य को पूरी तरह से घृणास्पद बनाया। अंबेडकर से वार्ता के लिए आए प्रतिनिधियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें विस्थापितों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था, ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार बीएमसी अधिकारी का निलंबन और हिंसा में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि समुदाय तब तक आराम नहीं करेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। राजरतन ने बताया कि हम मध्य मार्ग चाहते हैं, विस्थापित झुग्गी वासियों के लिए मकान की मांग जायज है, इन्हें वैकल्पिक स्थान पर मकान दिए जाएं। विपक्षी द्वारा 2 दिन की मोहलत मांगी गई है, अगर इन 2 दिनों में उचित निर्णय नहीं किया जाता तो हम अपना आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। अस्थायी रूप से धरना उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज़ नेटवर्क।